हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, ये नहीं कि इंडिया के साथ खेलने जा रहे हैं। उसके अलावा भी नौ टीमें हैं जिसके साथ हमने मैच खेलना है, अगर उनको बीट करेंगे तो हम फाइनल खेलेंगे। हमारा फोकस एक टीम पर नहीं है, हमारा फोकस जो है वो दस टीमें उनके उन पर फोकस है, और हमारा जो प्लान ये है कि हमने हर टीम के अगेंस्ट अच्छा खेलना है, मैच जीतना है, तो फिर ही हम फाइनल में जाएंगे। कोई एक टीम पे हमारा फोकस नहीं है, और हमारी जो थॉट ये है कि हमने जहाँ पे भी क्रिकेट होगी, जहाँ पे भी मैच होंगे, वहाँ हमने जाकर खेलना है, क्योंकि एज ए प्रोफेशनल आपको हर चीज़ के लिए रेडी होना पड़ता है कि आपको डिफरेंट कंडीशंस में जाकर खेलना पड़ता है, डिफरेंट एनवायरमेंट में जाकर खेलना पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको चैलेंज, यही इसी चीज़ को चैलेंज कहते हैं कि आपको इस चीज़ को चैलेंज लेते हैं आप। एज अ प्लेयर, एज अ कप्तान, मेरी ये होती है कि मैं हर कंट्री में जाकर परफॉर्म करूँ, वहाँ पर मैं डोमिनेट करूँ, मैं पाकिस्तान को मैच दिखाऊँ। तो ये हमारे माइंड में, ये नहीं कि सिर्फ एक टीम के अगेंस्ट हमने खेलना। प्रभात जयसूर्या ने पाकिस्तानी बैट्समैन को काफी तंग किया था, और कल एक इंटरव्यू में मिकी आर्थर ने कंफर्म किया कि पाकिस्तान नहीं चाहती थी कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट चाइना चेन्नई में खेलें। तो क्या पाकिस्तानी बैट्समैन को कोई खौफ हो गया स्पिनर्स का, क्वालिटी स्पिनर्स के खेलने के अगेंस्ट और समथिंग, कि आप लोग नहीं चाह रहे कि चेन्नई में अफगानिस्तान को खेलें, या फिर प्रॉब्लम हो रही है प्रभात जयसूर्या से? आपका जयसूर्या का सवाल है या पूरी सवाल है कि लाइक कोई प्रॉब्लम है कि आप नहीं खेल सकते अफगानिस्तान के अगेंस्ट चेन्नई? मेरे ऐसा नहीं है कि खेल नहीं सकते, हमेशा स्पिन को डोमिनेट ही किया है एशिया में। आपने जितने भी आप बैट्समैन देख लें और ज़्यादा देखें, प्रैक्टिस स्पिनर पे ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्लेयर डर रहा है या प्लेयर को कोई इशू होता है, वो हीट ऑफ द मोमेंट। देखें, कोई भी बॉलर आपको टफ टाइम दे सकता है, यानी कि स्पिनर कोई फास्ट बॉलर, कोई भी आपको बॉलर टफ टाइम दे सकता है, लेकिन उसमें एज अ बैट्समैन, एज अ प्लेयर आपको निकलना आना चाहिए। अगर आपको वो टफ टाइम दे रहा है तो आपको भी उसको जवाब में कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा कि आप उसको थोड़ा बैकफुट पे करें। तो ये सारी प्रैक्टिस होती है, थोड़ा प्लानिंग होती है, उसकी प्रैक्टिस होती है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे प्लेयर्स जो हैं उस पर काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह स्पिनर पे आपको डिफरेंट नजर आएगा। अगर हमारी कोचिंग पैनल से कुछ अर्से पहले बात हुई थी कि हमारे पास चैंपियन प्लेयर्स से बहुत है मगर चैंपियन टीम नहीं है, एक कोचिंग स्टाफ के मेंबर ने ये बात की थी, तो जरा अहमियत होती है इसकी। तो हम सब पे होपफुल हैं कि हम सब चैंपियन बनेगी पाकिस्तान टीम, तो इस स्टेटमेंट को आप कैसा देख रहे हैं? दूसरा जो है, आप सिलेक्शन पे बार बार आपसे सवाल ये हो रहा है कि आप एक और नए चेयरमैन आ गए, तो काफी जो माजी के प्लेयर हैं वो ये कहते रहे कि जब जब हम टीम से आउट हुए तो हम जकी अशरफ के पास जाते थे और वो हमारी सिलेक्शन करवा देते थे, थोड़ी सी पॉलिटिकली बैक ली लिया करते थे। तो अब अगर चेयरमैन आते हैं और इस तरह की बातें होती हैं कि कोई प्लेयर अगर टीम से आउट है तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, तो आपका क्या रोल होगा? और ये चेंजेस को आपके पीछे वन नेशन वन फैशन लिखा हुआ है, तो पूरी कॉम बड़ी परेशान है, 7 महीने में तीसरा चेयरमैन आ गया, तो आप भी तो परेशान होंगे। देखें, मैं इन चीज़ों से परेशान नहीं होता, कोशिश करता हूँ कि इवन के टीम भी परेशान नहीं होती है, और उनको पता है कि मेरी बैक है, सिलेक्शन कमेटी की बैक होती है, और मेन चीज़ है कोचिंग स्टाफ की बैक होती है। और हमारी कोशिश होती है कि हमारा काम है क्रिकेट खेलना, और कोशिश करते हैं कि वही उस पर ही ज़्यादा फोकस किया जाए। अभी तो मैं भी नहीं उनसे मिला, जाके मिलेंगे जब आएंगे, तो ये आप ही बता रहे हैं, मुझे इन चीज़ों का पता नहीं है कि अगर कोई ड्रॉप होता है तो वो उनके पास जाता है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ों का मुझे आइडिया नहीं है, इस पर मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। दूसरा क्या किया? बिल्कुल, देखें चैंपियन टीम भी है, जिस तरह हमने दो फाइनल, एक सेमीफाइनल खेला, एक फाइनल खेला, एक एशिया कप का फाइनल खेला, अनफॉर्चुनेटली हम फिनिश नहीं कर पाए। वो हमारे उसमें बैक ऑफ द माइंड है कि हम इसको क्यों नहीं फिनिश कर पा रहे, उस पर हम बैठ के बात भी करते हैं, प्लेयर्स के प्लेयर्स आपस में भी बात करते हैं, कोचिंग स्टाफ भी बात करता है, तो इसको इंशाल्लाह जल्दी ही खत्म करेंगे, और इंशाल्लाह फिर आप ही कहेंगे कि ये चैंपियन टीम है।